नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी .com में। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2020 से कई क्षेत्रों के नियमों में भी बदलाव होगा। सरकार इन नियमों में बदलाव को लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके तहत टैक्स, बैंकिंग और उद्योग सहित कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव होगा, जिसका आप पर सीधा असर होगा। तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आज से क्या क्या बदलने वाला है। सबसे पहले कि 10 सरकारी बैंकों का विलय भी बुधवार से प्रभावी हो गया। इन 10 बैंकों को मिलाकर 4 नए बैंक बनाए गए हैं। बड़ौदा यूपी के बैंक अब देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन गया है। इस विलय प्रक्रिया के बाद ग्राहकों को अपने पासबुक, चेक आदि में भी बदलाव कराना होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक बदल चुके हैं। अब इसमें सवाल है कि इन बैंकों के ग्राहकों पर क्या असर होगा और इन बैंकों का क्या होगा। तो बता दें कि इन 6 बैंकों का देश के अन्य 4 बैंकों में विलय होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जा रहा है। वहीं सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो रहा है। इसी तरह इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया जा रहा है। विलय के बाद आपको एक नया खाता नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकती है। नए चेकबुक समेत अन्य चीजें भी जारी हो सकती है। ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि ये सब आज से ही लागू नहीं होगा। इसे बैंकों की ओर से धीरे धीरे लागू किया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि आपको ईमेल, पता और मोबाइल नंबर का बैंक की शाखा के साथ अपडेट हो, ताकि आपको बैंक की ओर से बदलाव की सूचना मिल सके। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ आज से बदल रहा है। बजट 2020 में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2020 यानी आज से लागू होंगे। बजट 2020 में घोषित नया टैक्स स्लैब लागू होगा, हालांकि पुराना टैक्स भी लागू रहेगा। टैक्स पेयर्स को दोनों ऑप्शन में किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा। करदाता चाहे तो टैक्स छूट की सभी रियायतों को छोड़कर घटी हुई नई दरों पर कर चुका सकते हैं। अगर ये रियायतों का लाभ लेना चाहेंगे तो मौजूदा दरों का विकल्प चुनना होगा। सरकार ने बजट में नए आयकर स्लैब में टैक्स की दर घटाकर 5%, 10%, 15%, 20% और 25% और 30% कर दी है। बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स हाउस की ओर से दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10% वितरण कर खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स लाभांश पाने वाले निवेशक को देना होगा, जो उसके आयकर स्लैब के अनुरूप लागू होगा। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड से फायदा लेते हैं तो ये आपकी आय यानी एक तरह से इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स भी देना होगा। बजट में स्टार्टअप के टैक्स के नियम आसान हुए हैं। स्टार्टअप के लिए आसान बनाए गए ईसॉप नियम बुधवार से लागू हो जाएंगे। इसके तहत स्टार्टअप को ईसॉप पर 5 साल बाद टैक्स का भुगतान करना होगा। मोबाइल पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होने के बाद मोबाइल खरीदना महंगा हो जाएगा। नई दरें लागू होने के बाद 20,000 रुपए का मोबाइल 1,200 रुपए और महंगा हो जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com के साथ।